नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर सौरभ जी जुड़ चुके हैं, जो कि ALP का धनबाद डिवीजन में सामुदायिक भवन धनबाद में ज्वाइनिंग के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ताकि आने वाले स्टूडेंट लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ओके, और इनको पूरा उमंग स्टडी फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन एंड इनको बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमंग स्टडी पर। बताइए, आज का आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या था? रिपोर्टिंग टाइम से लेकर अभी तक आपका क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताइए, ताकि आने वाले स्टूडेंट लोगों के लिए सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे का था। उसके बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए गए सारा कुछ क्लियर किया गया एक एक करके, और पर अभी तक ज्वाइनिंग मिला नहीं हमको। इसलिए सर ने बोला कि तो कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कि कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम था जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? नहीं, कुछ लोगों को ये 100 रुपये का जो बॉन्ड बनवाना था उसको लेकर प्रॉब्लम हुई। उसमें सिक्योरिटी का सिग्नेचर चाहिए था, और सिग्नेचर के जो सिक्योरिटी चाहिए थे उसके लेकर कुछ लोगों को लौटाया गया, और बाकी सब ठीक रहा। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिया गया? मेरा ये 10th से लेके ITI तक का जितना था डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट, ITI पासिंग सर्टिफिकेट। उसके अलावा कुछ भी नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी करवाना था, क्लियर करवाना था, और डॉक्यूमेंट इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म वो तो साथ में ज्वाइनिंग में मिलता है। हाँ, वो तो ज्वाइनिंग में मिलता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड का कितना कॉपी? 6 कॉपी। 6 कॉपी आधार कार्ड का, पैन कार्ड का 6 कॉपी, फोटो 20 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटो, और उसके बाद आपका बैंक पासबुक तो वो घर से भी ला सकते हैं, पासपोर्ट नहीं चाहिए, इसमें चेकबुक चाहिए, दो चेकबुक चाहिए यहाँ पे, और बाकी आगे का शायद बोले वहाँ पे ज्यादा कोचिंग होगी वहाँ पे देना। अच्छा, तो आपका ये कितना था CBT 1 में स्कोर कितना था आपका? 72। नॉर्मलाइज या नॉर्मल? नॉर्मलाइजेशन से पहले कितना था? 68। बोर्ड पटना बोर्ड। CBT 2 में? सर CBT 2 का है, इसको बता दिया मैंने। अच्छा, CBT 1 में मेरा था 56। नॉर्मल या नॉर्मलाइज? नॉर्मलाइज करके, नॉर्मलाइजेशन से पहले कोई दिक्कत नहीं है। CBT 3 में? CBT 3 में मेरा 20 नंबर था। 20। और नॉन टेक्निकल में? नॉन टेक्निकल में मेरा 45। 45। अच्छा, DV का हुआ था? पटना में। और मेडिकल? मेडिकल मुगल सराय। अच्छा, उसके बाद आपका मतलब कि DV कितना तारीख को हुआ था? DV हुआ था 17 जून को। मेडिकल 18 जून को। फिर आपका पैनल कब आ गया था? पैनल 9 तारीख को आया था मेरा। अगस्त। अच्छा, 9 अगस्त को। अगस्त को नहीं, 9 जुलाई को। 9 जुलाई को। ज्वाइनिंग लेटर कब आया था? ज्वाइनिंग लेटर आया था ये 3 अगस्त। 3 अगस्त को। आपका एडुकेशन का जर्नी कैसा रहा? मैट्रिक कब किए, इंटरमीडिएट कब किए? मैट्रिक मेरा 2008 में हुआ, इंटरमीडिएट 2010, और ग्रेजुएशन हुआ 2013। उसके बाद मैंने ITI किया 2014 से 16 सेक्शन में, और 16 के बाद ये फर्स्ट टाइम आया था ITI अप्लाई किया था, तैयारी किया इसके लिए। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी? आने वाले छात्रों को क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज